तब मुझे पता ही नहीं था कि ख़राब समय है छोटा घर था उस घर को चलाने के लायक खर्चे बहुत कम थे पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी हम भी महीने में दो चार दिन शूटिंग कर लिए जाए जाए बहुत है मेरा एक दुर्घटना हुआ एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मैं लम्बा खींच गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ वो सेल्फ स्टडी तो करते करते कि ये एंगजाइटी है ये शायद ऑडियंस को फिल्म प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं लगती है आइदर जर्नलिस्ट को लगती है और एक्टिविस्ट को लगती है और कोई जो इस पार्टी का समर्थक है तो उसको उस पार्टी विचारधारा की फिल्म फिल्मा फिल्म लगती है वाइस वर्षा हेलो सो वेलकम टू द क्विंट थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए जी धन्यवाद आपका भी सर आप बॉम्बे 2004 में आए थे और 2004 और 2012 के बीच में आपने बहुत फिल्म्स की थी मे भी शायद उनको इतना प्यार नहीं मिला पर 2012 के बाद जब गैंगर वसीफ और आई ऑडियंस ने आपको बहुत प्यार दिया वो 2004 और 2012 के बीच का जो सफर था क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लोगों को लगता है कि ये वो बहुत कठिनाई भरा समय रहा होगा पर मेरे लिए बहुत अच्छा समय था मुझे कोई किसी प्रकार की अब मुझे लगता है कि यार वो मेरा ख़राब समय चल रहा था क्या तब मुझे पता ही नहीं था कि ये ख़राब समय है एक बाइक थी और दिन भर मुंबई अंधेरी में स्ट्रगल करके अंधेरी में और घर जाते थे चारकोप और पत्नी और बच्चे को बाइक में बिठाया और चारकोप मार्केट घूमते थे हाँ जी छोटा घर था उस घर को चलाने के लायक खर्चे बहुत कम थे पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी हम भी महीने में दो चार दिन शूटिंग कर लिए जाए जाए बहुत है हाँ चार दिन शूटिंग हो गया अब तो एक हफ्ते ऑरेंज का जूस पिया जाएगा <laughs> तो मुझे नहीं पता था खराब समय चल रहा है अब आप लोग पूछते हैं तब मुझे रियलाइज होता है कि वो मेरा खराब समय था और मुझे उस वक्त किसी इंस्पिरेशन की जरूरत थी मुझे मालूम ही नहीं था तीन साल पहले मैं बा, 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 ये क्या बोलते हैं उसको एंगजाइटी शब्द को सुना हूँ और समझा हूँ एक्चुअली होता क्या है मुझे नहीं मालूम था तीन साल पहले तक मेरा एक दुर्घटना हुआ एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट में लंबा खींच गया तो मुझे रियलाइज हुआ वो सेल्फ स्टडी करते करते कि एंगजाइटी है ये शायद बीमारी भी लंबे समय तक चले तो होती है व्यक्ति को तो बोला इसके लक्षण क्या है तो ऐसा ही जीवन है सर पर आपकी वाइफ मिस मिसुला मेरी उनसे बहुत बात हुई है पहले भी पर आई थिंक वो आपकी बहुत बड़ी बहुत, रहे बड़ी, है। बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है थैंक हाँ मतलब यू तो आज सुबह बता रही थी अभी खिचड़ी है मकर संक्रांति है बीस साल हो गए मैं बोला बीस साल हो गए अरे बाप रे बाप इतना समय दो दशक तो फिर लगने लगा कि जीवन इतना फ्रिजाइल है इस फ्रिजाइल जीवन में हम दूसरे को ठीक करें तुम गलत तुम गलत तुम गलत या स्वयं को ठीक करें कि मैं गलत मुझ में कुछ कमियां हैं उसको ठीक कर लेना है या ये जो ख़राब रिश्ते चल रहे हैं संबंध में गड़बड़ी है किसी से नाराजगी है उसको दूर कर लेना है क्योंकि फ्रजाइल जीवन मेरा भी है और उसका भी है <laughs> तो लगता है कि फिर कहाँ क्यों लोग इतने मतभेद और कॉन्ट्रोडिक्शन में जी रहे हैं जी मेरा तो मुझे तो हमेशा लगता है कि एक मेरा ये पाँग पाँग वो एक ये भी पेशा मैं अपना सकता हूँ जीवन सुधारने का डेफिनेटली आप जैसी बातें वो पैसा जीवन बदल दूंगा क्या दिक्कत है बहुत लोग आएंगे सर आप बस बोलिए हाँ कल बच्ची से रात को बात कर रहा था मैं तो मैंने उसको उदाहरण दिया कि अब जंगल में जाते हैं और हमें मालूम है इस जंगल में बाघ है तो बाघ आने के पहले फियर आ जाता है जी। बाघ अभी नहीं आया है पर फियर आ गया है और फियर आ गया है तो आपके अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होने लगेंगे फियर ठीक है अच्छी बात है होनी चाहिए पर बाघ को तो आने दो तो दिमाग हमारा है वो जंगल में बाघ से पहले फियर को लेके आ जाता है मुझे याद है एक फॉरेस्ट में सुबह सुबह गए थे और जो फॉरेस्ट के गाइड थे वो घुमाने आए उनको पता है कि यार बाघ जरूरी नहीं दिखी जाए हाँ। तो उन्होंने बाघ को क्रिएट कर दिया इधर कॉल हुआ है उधर कॉल हुआ है हाँ। और सब लोग अलर्ट हमें लगे पता नहीं क्या हुआ ये कुछ तो जादू चल रहा है जी तो बस जैसे आपने कहा कि यू नो जिंदगी बहुत फ्रजाइल है हम इनको ठीक करें उनको ठीक करें खुद के स्वयं को ठीक करें या स्वयं को ठीक करें सर आजकल ऐसा हुआ कि ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है जहाँ पे हम रहते हैं अगर किसी ने कोई कोई चीज़ किसी को अच्छी न लगी फिल्म के बारे में बोल दिया ट्रोल्स है इतनी चीज़ें हैं यहाँ तक कि ओ टी प्लेटफॉर्म्स को आजकल फिल्म निकालनी पड़ती या सॉरी बोलना पड़ता है सर क्या आपको लगता है ये सब करने के लिए एक फ्रीडम या एक क्रिएटिविटी की हार होती है जब हम बोलते हैं ठीक है आपको अच्छी नहीं लगी हम निकाल देते हैं फिर मुझे नहीं मालूम सोशल मीडिया का सबसे आसान उपाय है लॉग आउट दो <laughs> वो वही है वो वर्चुअल दुनिया है आप अब व्यक्ति और संस्थान दो यूनिट है अलग अलग एक इंडिविजुअल और एक संस्थान हाँ मैं इंडिविजुअल हूँ मैं संस्थान की बात नहीं जानता हूँ नहीं समझता हूँ मुझे तो लगता है लॉग आउट कर दीजिए हो पर गया पर प्लेटफॉर्म तो लॉग आउट कर भी नहीं सकते उनको तो सुनो वो जाने उनकी दुविधा हमें हाँ। एक हम एक इंडिविजुअल की दुविधा को मैं हूँ हाँ तो, तो मैं समझता लॉग आउट हमेशा आप जैसे जैसे बड़े होते हैं ना अटल जी की एक लाइन बोलते थे वैसे वैसे सहने की शक्ति बढ़ा लीजिए अब मैं आ, मुझे कल परसों अनुमान हुआ कि मैं बहुत पॉपुलर हो चुका हूँ कल परसों जी कल परसों ही अनुमान हुआ कही हुई एक निरथक बात पे भी अगर न्यूज बन जाए और तो भाई आप पॉपुलर ही हैं या तो महत्वपूर्ण है इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि आपकी हर बात में खबर हो सर वो तो आप है, या तो इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं कि भाई छापो लोग पढ़ते हैं तो अटल जी कहते हैं कि जितने बड़े हो जाओ उतने सहने की शक्ति बढ़ा लें और बोलने से ज्यादा चुप रहने की भी कला आनी चाहिए व्यक्ति में अब हमारी मजबूरी है इंटरव्यू में कि हम चुप नहीं रह सकते सर जब आपके पास मैं मैटलू फिल्म आई आपका पहला रिएक्शन क्या था क्योंकि आज के पॉलिटिकल माहौल में बहुत बारी ऑडियंस को हर फिल्म एक प्रोपागेंडा फिल्म लग सकती है और आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी कोई भी फिल्म कोई भी प्रोपागैंडा का हिस्सा कभी नहीं रहेगी ऑडियंस को फिल्म प्रोपागेंडा फिल्म नहीं लगती है आइदर जर्नलिस्ट को लगती है और एक्टिविस्ट को लगती है और कोई जो इस पार्टी का समर्थक है तो उसको उस पार्टी विचारधारा की फिल्म फिल्म लगती है वाइस वर्षा उस विचारधारा के समर्थक को इस विचारधारा के लगती है आम ऑडियंस जो है ना जिसको कुछ नहीं जिसको पाँच साल में एक बार मतदान करना है और फिर आके कर अपना जीवन जीना है और अपनी रोजी रोटी कमानी है उसको इन शब्दों से और इन चीज़ों से बहुत वास्ता नहीं है अभी मैं कहूँगा तो मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है हाँ जी क्योंकि हम हम जानते हुए हमने अपनी तरफ से बहुत ही ईमानदार फिल्म बनाई है लेकिन ये हमारी ईमानदार फिल्म लोगों तक पहुँचेगी तब तय होगा आप सब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग क्या बनाए हैं सर आपका नेम अटैच है तो हम जानते हैं फिल्म कैसी होगी वो तो कोई डाउट ही नहीं हाँ नहीं कोई जरूरी नहीं है क्योंकि <laughs> दोस्त हम भी एक अभिनेता है जी और मुझे तो प्रोसेस के दरमियान कभी समझ नहीं आता है कि यार इसका असर क्या होगा कैसा होगा तो मैं चिंतित था कि मैं कितना मैनरिज्म अपनाऊंगा कितना मिमिक्री करूंगा, कितना इमिटेट करूंगा। तो ये चिंता थी तो मैं बोला भाई मुझे मिमिक्री आती नहीं है इमिटेट करूंगा नहीं मैं थोड़े हाव हाव लाऊंगा आप प्रोस्थेटिक से थोड़े उनके करीब ले जाएंगे लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी चेतना को पकड़ना कि हमने स्पीच सुनी है हाँ जी कि सरकार मेरी एक बोर्ड से गिर गई सरकारें आएंगी जाएंगी पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी पर ये देश रहना चाहिए देश का लोकतंत्र रहना चाहिए तो क्या अटल जी उस दिन दो स्पीच तैयार करके गए होंगे पार्लियामेंट की अगर जीत गया तो क्या बोलूँगा हार गया तो क्या बोलूँगा हार वाली स्पीच आपने सुनी है जीत वाली स्पीच तो किसी ने सुनी नहीं है पर उनके पास होगी तो वो कैसे समझ आएगा जब चेतना को पकड़ोगे आत्मा को पकड़ोगे सर जाने के पहले बस एक और क्वेश्चन सर एक अभिनेता के तौर पे और एक आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बकेट लिस्ट में है जो आपको हासिल करनी है बकेट लिस्ट में तीन दो तीन चार महीने की छुट्टी है सेहत पे काम करना है विश लिस्ट होता है ना हाँ जी ये बकेट लिस्ट अलग होता है सर वही विश लिस्ट बकेट लिस्ट वही होता है अच्छा एक ही होता है सर। तो कुछ छुट्टी लेनी है थोड़ा कसरत सेहत पे ध्यान देना है थोड़ा पढ़ना है थोड़ा घूमना है और थोड़े बहुत ज्ञान और प्रेम को बांटना है तो ज्ञान की कमी है इसलिए ज्ञान देते रहता हूँ थैंक यू सो मच सर और फिल्म के लिए गुड लक सर थैंक यू धन्यवाद